हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात अठन्नी की इस कहानी का सारांश और उद्देश्य देखने वाले हैं। सारांश मतलब समरी और उद्देश्य मतलब पर्पस, कि किस पर्पस से सुदर्शन जी ने यह कहानी लिखी है। मैंने आईसीएसई के सभी चैप्टर्स और पोएम्स की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं और कुछ पोएम्स और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड किए हैं। आपको एग्जाम में कहानी का सारांश या उद्देश्य लिखने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं यह वीडियो अपलोड कर रही हूँ। प्रश्न है, बात अठन्नी की कहानी का सारांश संक्षेप में लिखिए, मतलब शॉर्ट में समरी लिखनी है। उत्तर, बात अठन्नी की कहानी में कथाकार श्री सुदर्शन जी ने कहानी के माध्यम से समाज के कड़वे सच का परिचय करवाया है। कथानक इस प्रकार है। बाबू जगत सिंह पेशे से इंजीनियर थे। रसीला इनके यहाँ नौकर का काम करता था। उनके परिवार में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और दो लड़के हैं जो गांव में रहते थे। रसीला को वेतन के रूप में कुल 10 रुपए मिलते थे, जिससे उसके घर का खर्च चलता था। एक बार रसीला को अपने बच्चे के बीमार होने की सूचना मिली। उसके पास रुपए नहीं थे। अपने बीमार बच्चे के इलाज के लिए रसीला ने अपने मालिक से रुपए मांगे, परंतु उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। रसीला ने पड़ोसी जिला मैजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन साहब के चौकीदार रमजान से कुछ रुपए उधार लिए और अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे भेज दिए। बच्चे स्वस्थ हो गए। कुछ समय बीतने पर रसीला ने रमजान को पैसे लौटा दिए, परंतु 8 आना शेष रह गया। कर्ज के बोझ से वह शर्मिंदा होकर रमजान से आंखें नहीं मिलाता था। एक दिन बाबू जगत सिंह से कोई मिलने आया जो उन्हें अपने काम के बदले 500 रुपए की रिश्वत देता है। उसी समय बाबू जगत सिंह ने रसीला को 5 रुपए की मिठाई खरीद कर लाने को कहा। रसीला ने 5 रुपए की जगह 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। लेकिन अपनी इस चालाकी को वह इंजीनियर साहब के नजरों से छिपा नहीं पाया। इंजीनियर साहब के धमकाने पर उसने सब सच सच बता दिया और इस प्रकार रसीला की चोरी पकड़ी गई। जगत सिंह ने उसे बहुत पीटा और पुलिस को 5 रुपए रिश्वत देकर रसीला का गुनाह कबूलवा लेने को कहा। इंजीनियर बाबू के पड़ोसी शेख सलीमुद्दीन, जो कि पेशे से जिला मैजिस्ट्रेट थे, उन्हीं की कचहरी में रसीला का मुकदमा चलाया गया, जहां शेख साहब ने उसे 6 महीने की सजा सुनाई। यह फैसला सुनकर रमजान को बहुत क्रोध आया। उसने कहा कि यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है, क्योंकि मात्र अठन्नी, यहां अठन्नी में स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, क्योंकि मात्र अठन्नी की चोरी पर इतनी कठोर सजा सुनाई गई, जबकि बड़े बड़े अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं। अतः गरीबों पर ही न्याय का शासन चलता है। यह हमने सारांश देखा। अब हम इसका उद्देश्य देखते हैं कि लेखक ने यह स्टोरी क्यों लिखी है, यह कहानी लिखने के पीछे लेखक का उद्देश्य क्या है। कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करें। उत्तर, कहानी का उद्देश्य समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी की प्रवृत्ति पर व्यंग्य करना है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बताया है कि समाज का अमीर वर्ग चाहे तो 500 या 1000 की रिश्वत ले ले, परंतु उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। लेकिन यदि एक गरीब व्यक्ति अपनी उधारी चुकाने के लिए अठन्नी की हेराफेरी करता है तो वह गुनाहगार हो जाता है और उसे सजा सुना दी जाती है। कहानीकार हमें यह बताता है
कि रिश्वत समाज की एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसके प्रति हमें एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। समाज में असमानता की भावना को दूर करना भी कहानीकार का उद्देश्य रहा है।